Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So, go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही. तुमने क्या किया? बस ऑफिस से आ रहा हूँ. एक दिन ऑफ ले लो तो ये काम का बाल लगाए थे ऑफिस में. और दोपहर में कहाँ थे? वो मैं सलमा के साथ कॉफी पीने गया था. सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारा सलमा से मिलना पसंद नहीं तो तुम क्या करोगे? देखो, वो मेरी दोस्त है और तुम मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर सकते. अमां, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर रही. तुम नरगिस से मिलो, जवेरिया से मिलो, सोनिया से मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम उसको पसंद करते थे, वो तुम्हें पसंद करती थी, तुम दोनों शादी करना चाहते थे. तो मेरी शादी हो गई है, उसकी भी शादी हो चुकी है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं, तो दिमाग ठीक करो. अमां, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं किसी को पसंद करती थी, वो मुझे पसंद करता था, हम दोनों शादी करना चाहते थे और मैं उस शख्स से मिलूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम हर वक्त मेरे साथ मुकाबलेबाजी क्यों शुरू कर देती हो? मुकाबलेबाजी की बात नहीं है, बराबरी की बात है. बताओ कैसा लगेगा? मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं. तुम अपने जिस दोस्त से भी मिलो, बात करो. लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में तंग नजर हूँ. मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती. तो तुम्हें अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा. मैं तो इसी तरह हूँ. क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, क्या हम एक दूसरे के साथ ही महबूब दोस्त नहीं बन सकते? तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों पड़ती है? मर्दों को दोस्तों की जरूरत होती है. बीवी के साथ अलग रिश्ता होता है, दोस्तों के साथ अलग रिश्ता होता है. चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर होता है. इट्स जस्ट समथिंग एक्साइटिंग. लेकिन हमारा मुझे ये सब पसंद नहीं है. मुझे तो पसंद है, और तुम्हें हमारे साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी. शायद आपको बोलोगे चाहिए.